हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी हम लोग गुनो खेल रहे थे, उसके बाद मैं 2 बजे से लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा ग्रीना फ्री फायर की, तो वो आप जरूर से देखेगा। और उसके बाद मैं जाने वाला हूँ साइकिल राइड पे, सो डायरेक्ट आपसे मैं मिलता हूँ अब साइकिल राइड के टाइम पे। सो हे गाइस, मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग 2 बजे कैंसिल करके 3 बजे से करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल पे एक ड्राइंग की वीडियो डालने वाला हूँ, तो वो आज शाम 6 बजे तक आएगी। और ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ ये 9 बजे कल आएगी, कल सुबह 9 बजे तक। सो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा दे रहा हूँ कि मेरा सेटअप कैसा है ड्राइंग। देख सकते हो यहाँ मेरा स्टैंड लगा हुआ है जिससे मैं शूट करूँगा ड्राइंग वीडियो। ये मेरा शीट रखा यहाँ पर, और ये लाइट लगा हुआ है क्योंकि लाइटनिंग अच्छे से आए इसलिए। और ये शीट जिस पे मैं ड्रॉ करूँगा, और ये मेरा सेटअप है पूरा। सो मैं ड्राइंग कर लेता हूँ, ड्राइंग वीडियो शूट कर लेता हूँ, उसके बाद स्ट्रीमिंग करूँगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। हम लोग अभी अपना ड्राइंग वाला वीडियो नहीं डाल पाएंगे क्योंकि अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं और मेरा पूरा ड्राइंग कम्प्लीट नहीं हुआ था, और मैं साइकिलिंग के लिए नहीं जा पाऊँगा, कोविड बहुत फैला हुआ है बाहर। सो मम्मी मना कर दी, सो जो टाइम बच रहा था उसमें मैं यहाँ ऊपर आ गया हूँ गार्डनिंग के लिए। मम्मी तो हर दिन आती ही हैं, तो अभी पापा भी आने वाले हैं क्योंकि उन्हें पेड़ लगाना है अभी, सो इसलिए हम लोग आए हुए थे। और हमारे घर में आम उगे 2 गो, छोटा छोटा है अभी, एक ये एक नीचे वाला। ऊपर नीचे से दिखाता हूँ, देखो एक ये और एक ये ऊपर वाले, इसकी ये नीचे नीचे ऊपर ऊपर ऊपर। और भी ढेर सारे पेड़ है इधर, देखो ये देखो, ये नींबू है छोटा छोटा भी, और बड़ा वाला भी दिखाता हूँ एक बार। ये ड्रैगन फ्रूट का पेड़ है, और बड़ा नींबू दिखाता हूँ उसको। ये रहा हमारा बड़ा नींबू, देखो कितना साइज देख पा रहे हो इसका तुम बस। और पीछे ये चीकू का पेड़, और इधर ढेर सारे ऐसे 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 ऐसे, देखो कितने सारे पेड़ हैं। और इधर भी थोड़े थोड़े पेड़ लगा दिए टंकी को घेर के। और भी मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ, देखो आपको प्याज दिखाता हूँ पहले मैं, देखो ये दिख रहा है, रुको मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये प्याज है, दिख रहा है ये सब प्याज है इसमें। और हमने लहसुन भी आया था, वो सब हमने नीचे ले गया है, मतलब हम लोग नीचे ले गए। और ये देखो ये कद्दू, इधर भी है कद्दू। फिर देखो इधर ये आया हुआ है फूल, उसका क्या बोलते हैं, ये देखो पर्पल कलर का, क्या बोलते हैं उसको, ये देखो ढेर सारा फूल है। हाँ बैगन का फूल आया हुआ है, बैगन का देखो इसमें भी आया हुआ है। हम लोग ने कल इसमें से 4-5 बैगन भी तोड़ा था। और ये रहा लाल साग, इधर भी है, और ये पता नहीं किसका पेड़ है एकदम। इधर भी लाल साग थोड़ा थोड़ा इधर तो। और ये देखो प्याज, क्लियर व्यू ऑफ प्याज, इसको उखाड़ लूँ क्या, नहीं अभी नहीं हुआ होगा तो मम्मी मारेंगे। और ये फिर से एक ड्रैगन फ्रूट, और इधर पता नहीं कुछ कुछ है। ये करेला का पेड़ था, पता नहीं कौन सा करेला का पेड़ था शायद से, ये पता नहीं। देखो यहाँ पर सड़ चुका है एक, और ये देखो यहाँ पर भी करेला की कुछ भी पता नहीं क्या क्या है। ये इधर लाल साग, इधर ये मिर्ची का पेड़ है, ये और वो मिर्ची का ग्रीन मिर्ची, और ये भी शायद से मिर्ची का पेड़ है। हाँ ये मिर्ची, देखो फूल आ रहे हैं इसमें, छोटे छोटे फूल हैं। और ये सब भी ढेर सारे पेड़, इधर में एक मिर्ची का पेड़, देखो फूल आ रहा है इसमें भी। और इधर एक बैगन का पेड़ जैसा आप जानते हैं, और फूल एक वहाँ पर है, देखो कितना सुंदर है वो रेड वाला, जूम करता हूँ मैं। बहुत सुंदर है। और ये एक अभी तक उगा नहीं है, इधर भी वही से फूल है, और इधर गाना बचा हुआ है, और पानी ये झाड़ू लगा रही है यहाँ आके। इधर ढेर सारे पौधे हैं, ऊपर से व्यू दिखाता हूँ मेरे को, देखो सनसेट हो रहा है कितना सुंदर लग रहा है वो, वाह। और देखो ऊपर से इन लोग इस सब का व्यू, कितने सारे हैं उधर भी है, देखो कितने सारे हैं। और इधर से सनसेट का व्यू तो बहुत मस्त आ रहा है सीरियसली,
मैं एक फोटो दिखाता हूँ आपको, खींच लेता हूँ। देखो कितना सुंदर लग रहा है वो सनसेट। और ये देखो इधर कितना सुंदर व्यू आ रहा है रांची का। और ये खंबा बीच में आ रहा है सनसेट के, ये बहुत सुंदर दिख रहा है मुझे। और मैं आपको दिखाता हूँ ये पेड़ जो मुरझा चुका है, मैं आपको ये दिखाना ही भूल गया। ये है घोस प्लांट, इसे घोस प्लांट कहते हैं। ये लोटस के तरह दिखता है पर घोस प्लांट है ये, देखो। और मैं आपको कुछ फ्लावर्स भी दिखा देता हूँ, ये तो मुझे सबसे ब्यूटीफुल लगा। और ये रहा फ्लावर्स, ज्यादातर सब्जी और यही सब का पेड़ है। देखो कितना सुंदर व्यू है, पता नहीं मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूँ यही। इधर रांची का व्यू देखो बस आप। और इधर सब गार्डन का व्यू देखो, वो नीचे भी एक गार्डन है, उधर भी पेड़ लगे हुए हैं, आधे से ज्यादा पेड़ सूख गए वहां पर। देखो मम्मी बुला रही है, रुको देखते क्या काम है। हाँ माँ, क्या पानी पट रहा है? मैं भी जा रहा हूँ पानी पटाने, काम मिल चुका है। आधा घंटा एक घंटा और रहेंगे, अभी सब पौधों में पानी पटाना है, आधा में लगभग पट गया है। तो मैं नीचे चलूँगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि इतना देर का शूट तो ले नहीं सकता हूँ। तो नीचे चलता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अभी मैं तो नीचे जा रहा हूँ, 100 में से 85% पौधों में पानी पड़ गया है, पट गया है, और अभी मम्मी और पटाएंगी। सो मेरे में तो एकदम हिम्मत नहीं है, पूरा थक गया हूँ और पूरा मतलब मेरा पैंट गंदा हो गया, तो जाके अभी चेंज भी कर लूँगा। देख सकते सनसेट हो गया है, उस टाइम सन निकला हुआ था। तो मैं तो नीचे जा रहा हूँ, मम्मी अपना आ जाएंगी थोड़ा देर में, 15 मिनट में मम्मी बोली हैं। सो मैं नीचे जाऊँगा और फिर आपसे मिलता हूँ। अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं नीचे आके फ्रेश हो गया हूँ। मैं ऊपर गया था 5 बजे और 1.5 आवर मिनिमम हमें लगता है ऊपर पानी पटाने में, क्योंकि अभी 6:30 हो गए, 5 बजे मैं गया था ऊपर। सो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। जो भी मेरे चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा।